आज हम बात कर रहे हैं भारत की राजधानी दिल्ली की। क्या आप जानते हैं एक जमाने में भारत की राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि कोलकाता हुआ करती थी, लेकिन फिर अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दी। आखिर अंग्रेजों ने किस डर से कोलकाता को भारत की राजधानी से हटाकर दिल्ली बना दिया, चलिए इसका पूरा सच जानते हैं। अंग्रेजों ने दिल्ली को भारत की राजधानी क्यों बनाया, इससे पहले आपको समझना होगा कि अंग्रेज कोलकाता कैसे आए और फिर कैसे इसे भारत की राजधानी बनाया। आज के आधुनिक कोलकाता का संस्थापक जॉब चार्नर को माना जाता है। पहली बार एक कारखाना स्थापित करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सुतानुती गांव आए। शहर में कोलकाता, गोविंदपुर और सुतानुती के तीन गांव शामिल थे। 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी कोलकाता एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में काम कर रहा था। 1690 में हुगली नदी के किनारे पर चारनोक ने तीन गांवों को मिलाकर जब शहर बनाया तो यहां का महत्व और भी बढ़ गया। 20 जून 1756 को बंगाल के नवाब सिराज उद्दुल्ला ने कोलकाता पर हमला किया और फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में ले लिया। इस फोर्ट को पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन के लिए बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी नवाब पर लगातार सवाल उठा रहे थे। वे ना तो कस्टम ड्यूटी चुकाना चाहते थे और ना ही नवाब द्वारा तय की गई कारोबार की शर्तों पर काम करना चाहते थे। इसलिए नवाब ने अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए फोर्ट विलियम को कब्जे में ले लिया था। कुछ समय बाद ही 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराज उद्दुल्ला को हराकर रॉबर्ट क्लाइव ने कोलकाता पर शासन स्थापित कर लिया था। कोलकाता शहर को 1772 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश शासित भारत की राजधानी के रूप में घोषित किया। इससे पहले मुगल काल में भारत की राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी। 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट को भी स्थापित किया गया। अंग्रेजों ने आखिर कोलकाता को ही अपनी राजधानी क्यों बनाया? माना जाता है जब अंग्रेज आए तो उनके दिमाग में तीन शहर थे जो राजधानी बनाए जा सकते थे, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, क्योंकि ये तीनों ही शहर समंदर के किनारे थे जहां से आसानी से व्यापार किया जा सकता था। मुंबई और चेन्नई ऐसे शहर थे जो अंग्रेजों के रणनीति के लिहाज से ठीक नहीं थे। मुंबई पर पहले से पुर्तगालियों का कब्जा था, हालांकि उनके साथ अंग्रेजों की दोस्ती थी, लेकिन यहां पर मराठा उस वक्त तक मजबूत शक्ति थी। वहीं चेन्नई से पूरे उत्तर भारत पर ध्यान रखना अंग्रेजों के लिए मुश्किल था। ऐसे में अंग्रेजों के लिए सबसे सुरक्षित जगह थी कोलकाता। ये क्षेत्र पहले से ही व्यापार को लेकर महत्वपूर्ण बन चुका था। कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्रों को पहले से ही शिक्षित और समृद्ध माना जाता था। यहाँ की जमीन बेहद ही उपजाऊ और मांस मछली प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। तो ये तो वो कारण थे जिसके चलते अंग्रेजों ने कोलकाता को भारत की राजधानी बनाया। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि कोलकाता को छोड़कर दिल्ली राजधानी बनानी पड़ी? दरअसल बंगाल ही वो धरती है जहां सबसे पहले अंग्रेजों को पनाह मिली। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, लेकिन यहीं से अंग्रेजों की जड़ें कमजोर होनी शुरू हो गई। बंगाल राष्ट्रीय जन चेतना का केंद्र बन चुका था। अंग्रेजों के फैसले का मजबूती से विरोध हो रहा था, इसलिए अंग्रेजों ने अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत पूरे बंगाल और असम के मुस्लिम बहुल क्षेत्र को मिलाकर अलग राज्य बनाने की घोषणा की। वायसराय लॉर्ड कर्जन की घोषणा के मुताबिक 16 अक्टूबर 1905 से ये राज्य अस्तित्व में आ गए। अंग्रेजों ने बेहतर प्रशासन चलाने का तर्क देकर बंगाल के दो टुकड़े कर दिए। ये सुनते ही पूरा बंगाल आक्रोश में जल उठा। इसके विरोध में न केवल राजनेता बल्कि बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सब सड़कों पर उतर आए। उन दिनों बंगाल क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करता था। उन्होंने इस विभाजन को किसी कीमत पर लागू न होने देने की चेतावनी दी। राष्ट्रीय नेताओं ने विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं का बहिष्कार करने की अपील की। इस आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर जैसे नेता हिस्सा ले रहे थे। इस आंदोलन का व्यापक असर हुआ। बांग्ला विरोधी आंदोलन अगले 6 साल तक लगातार जारी रहा। इस आंदोलन का असर पूरे देश पर दिखना शुरू होया, जिससे अंग्रेज घबरा गए। अंत में 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा विभाजन को रद्द किया गया। इसी साल 12 दिसंबर 1911 को कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई।
अंग्रेजों शासकों को ये महसूस होने लगा कि कोलकाता से पूरे देश पर नियंत्रण करना मुश्किल है, इसलिए देश पर बेहतर तरीके से शासन चलाने के लिए दिल्ली को राजधानी बनाया गया। दिल्ली देश के उत्तर में है, जहां से पूरे देश में शासन करना ज्यादा प्रभावी होगा। दिल्ली को राजधानी बनाने के पीछे अंग्रेजों का सबसे बड़ा डर था बंगाल में लगातार बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन। दूसरा कारण ये था कि दिल्ली पहले से ही कई साम्राज्यों का आर्थिक और राजनीतिक केंद्र थी। दिल्ली पहले भी कई बार बसी और कई बार उजड़ी थी, लेकिन अंग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए नए तरीके से बसाना शुरू किया। अंग्रेज चाहते थे कि उनकी हुकूमत की राजधानी बनने वाली दिल्ली मुगलिया दिल्ली से बिल्कुल अलग दिखे। इसलिए इमारतों की डिजाइन से लेकर उनके पत्थर और रंग का काम भी खास लोगों को सौंपा गया। मैकॉम हैली को दिल्ली का चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया। इनको ही नई राजधानी बनाने का प्रोजेक्ट सौंपा गया। नई राजधानी यानी एक पूरा नया शहर तैयार करना था, जिसे इतना जल्दी बनाना आसान नहीं था। इसलिए नॉर्थ दिल्ली से सटे बुराड़ी के इलाके में एक अस्थायी राजधानी बनाई गई, जहां आज का ओल्ड सेक्रेटरिएट है। अस्थायी राजधानी से सरकारी कामकाज शुरू हो गया था, वहीं दूसरी तरफ असली राजधानी के लिए जमीन हासिल करने की कवायद भी शुरू हो गई थी। दिल्ली उस वक्त अविभाजित पंजाब का एक जिला था। नई राजधानी बनाने के लिए दिल्ली और बल्लभगढ़ तहसील के 128 गांवों को करीब 1,25,000 एकड़ जमीन ली गई। 21 दिसंबर 1911 को एक नोटिफिकेशन जारी कर 85,000 जमीन मालिकों को जमीन अधिग्रहण का नोटिस भेजा गया था। बाद में 1914 में इसमें मेरठ के भी 65 गांव शामिल किए गए। नई राजधानी के लिए अधिकृत तमाम गांव की जमीनों में मालचा, रेजीना, कुशक, मंगलापुरी, जयसिंहपुरा, माधोगंज, तालकटोरा, बाराखंबा, जाप्तागंज, राजा का बाजार जैसे गांव शामिल हुए। नई राजधानी की जगह तय हो गई थी, जमीनों पर कब्जा हो गया था, लेकिन दिल्ली अभी भी बहुत दूर थी। इसी बीच अगस्त 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसने ब्रिटिश सरकार का खर्च बढ़ा दिया, जिसका असर राजधानी के निर्माण में भी पड़ा। 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद राजधानी के निर्माण का कार्य तेजी से बढ़ा। नई दिल्ली को बसाने में आर्किटेक्ट ल्यूटियंस और बेकर की अहम भूमिका थी। करीब 10,000 एकड़ खाली पड़ी जमीन को शहर की शक्ल देने के लिए आर्किटेक्ट द्वारा नक्शे बनाए जाने लगे। रायजीना की पहाड़ी को विस्फोट से उड़ाया गया। मालचा गांव के पीछे की जमीन पथरी नहीं थी, उसे ठीक किया गया। सैंडस्टोन मार्बल राजस्थान की खदानों से रेल के जरिए मंगाए गए थे और उन्हें उठाने और काम करने के लिए राजस्थान से 30,000 मजदूर भी बुलवाए गए। सिविल लाइन्स में बनी अस्थायी राजधानी से 1911 से 1931 तक काम चला था। नई राजधानी के औपचारिक उद्घाटन की तारीख 15 फरवरी 1931 को तय की गई। उद्घाटन समारोह में दुनिया भर से मेहमान आए थे। इस तरह दिग्गज वास्तुकारों की प्लानिंग, मजदूरों के कड़ी मेहनत और वर्षों के इंतजार के बाद नई राजधानी नई दिल्ली सबके सामने आई थी। आज का राष्ट्रपति भवन उस समय वायसराय भवन के रूप में बनाया गया था, जिसका निर्माण कार्य 17 साल में पूरा हुआ था। वहीं इंडिया गेट को बनाने में 10 साल लग गए थे। आज के पुराने संसद भवन को बेकर ने डिजाइन किया था। इंडिया गेट और वायसराय के शिल्पकार ल्यूटियंस थे। आज की नई दिल्ली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका आर्किटेक्ट एडविन लैंडशीर ल्यूटियंस ने निभाई थी, जिसके चलते कई बार नई दिल्ली को ल्यूटियंस दिल्ली कहकर पुकारा जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ देखते रहें स्पाइस न्यूज़ भारत।